हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस कैपिटल आर इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट पी एंड इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। इस पर ध्यान रखिए, और पी पॉइंट पर पाइवोटेड किया है, डिस्क है, मास एम रेडियस आर। द सेंटर सी ऑफ द डिस्क इनिशियली हॉरिजॉन्टल पोजिशन। तो ये देखो, ये एक डिस्क है, ये पूरी ये डिस्क है, ये मटेरियल है यहाँ पे, और यहाँ से इस पॉइंट को मैंने पायोटेड किया है, मतलब फिक्स कर दिया है, हिंज कर दिया है। और इसकी जो इनिशियली हॉरिजॉन्टल लाइन है सेंटर को मिलाने वाली है ना, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये, ठीक है, और ये वर्टिकल प्लेन में है, ध्यान रखना। ठीक है, ये डिस्क वर्टिकल प्लेन में है। चलिए ठीक है, फिर क्या करा आगे। विद पॉइंट विद पी एस शॉन फिगर, फिगर तो दे रखा है आपको ये वाला। इफ इट इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन, अगर इस वाली पोजिशन से इसे क्या करते हैं रिलीज, तो इस वाली पोजिशन पर यहाँ पर जब ये था तो यहाँ पर टी बराबर जीरो हुआ, और इस जगह पर इसने से किसको रिलीज कर दिया, डिस्क को। पर यहाँ से ये फिक्स है, यहाँ से हिंज कर रखा है। ठीक है, तो ये रिलीज किया, ये वर्टिकल प्लेन में है, यहाँ पर प्लेन कैसा है इसका वर्टिकल, और रिलीज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, रिलीज्ड, रिलीज बोला है ना। ठीक है, तो रिलीज्ड किया इस जगह पर, तो जैसे इसे रिलीज करेंगे तो यहाँ से हिंज है, तो ये डिस्क जो है इसका ये लाइन कुछ ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये डिस्क ऐसे आ जाएगी थोड़ी सी, तो इसका सेंटर इस जगह पर आ जाएगा बेटा, ये इस जगह पर आ गया, तो ये सेंटर ऐसे आ गया, तो ये पी सी लाइन हो गई बेटा ये वाली। अब इसकी लाइन ये हो गई पी सी, ये सेंटर हो गया सी, है ना। तो जब ये इस जगह पे सेंटर आ गया, इससे कितना लाइन एंगल बनाते हुए थीटा, तो टी सेकेंड में वाल लो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपका कि इफ इट इज रिलीज फ्रॉम द दिस पोजिशन देन एंगुलर एक्सेलरेशन वेन, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर पूछ रहा है, डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है। इफ द सॉरी इफ इट इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन देन एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन द लाइन पी सी इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा। तो देखो ये पी सी लाइन थी, तो ये इंक्लाइंड हो गई थीटा एंगल से, पी सी लाइन, तो जब इंक्लाइंड हो जाए थीटा तो कितना एंगुलर एक्सेलरेशन है ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो इसको मैं अगर एफ बी डी बना लूँ इसका, तो इस जगह पर इसका वेट लग रहा हुआ एम जी ऐसे, और इस जगह पे नहीं निकालना है बेटा मेरे को एंगुलर एक्सेलरेशन, इस जगह पे नहीं निकालना, इस जगह पे निकालना है। तो मैं डायग्राम बनाऊँ तो देख, ये तो पी पॉइंट हो गया बेटा, ये यहाँ से तो हिंज था। अब मैं डिस्क को नहीं बनाऊंगा, बस इसका एक एफ बी डी ना लूंगा, ये इनिशियल सेंटर था सी, और जब ये सेंटर इसका थोड़ा सा इससे थीटा एंगल बना बना के नहीं, ये लाइन बना लेती है, और ये सेंटर यहाँ आ जाता है, ये सेंटर इस तरह से कुछ आ गया। तो इस जगह पर जब आ जाता है, तो इस जगह पर डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो देखो इस जगह पर डिस्क का एंगुलरेशन पूछ रहा है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास यही तो है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, तो इसका वेट नीचे तरफ लगेगा एम जी ये, और इस और कोई एक हिंज फोर्स होगा यहाँ पे, एक हिंज फोर्स होगा और एक आपका एम जी। ठीक है, हिंज फोर्स भी लगेंगे इस जगह पर, तो हिंज फोर्स जो है अगर ऐसा लगाना चाहो तो आप लगा दो कि ये एन वन है और ये इस तरह से आपका एन टू है। जब भी आप हिंज फोर्स बनाते हो ना, तो हिंज जगह पर अगर हो तो वहां पर दो नॉर्मल फोर्स दिखाते हैं, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन होता है कि नॉर्मल डायरेक्शन रिटर्न किधर की तरफ, तो एन वन एन टू दिखाते हैं, है ना। और ये एन वन एन टू एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, दिस इज अ हिंज फोर्स। या एन वन एन टू क्या है, हिंज फोर्स है, हिंज फोर्स, हिंज फोर्स। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। तो एक बात बताओ, तो इसमें तीन क्या हैं फोर्सेस लग रहे हैं, एक एम जी, एक एन वन, एक एन टू। तो देखो हिंज वाले एक्सिस के अबाउट में टॉर्क निकालूंगा, तो इससे क्या हुआ, एन वन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, एन टू का टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट, पी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो टॉर्क ऑन डिस्क अबाउट पॉइंट पी, टी टॉय पी इज इक्वल टू, और टॉर्क निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा टॉय इज इक्वल टू
आर परपेंडिकुलर एफ। देखो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तो हिंज पॉइंट पी पॉइंट से पास हो रही है, तो इस एन वन की पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, क्योंकि पी पॉइंट के अबाउट टर्म निकालना, तो पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे एन वन तक की, एन वन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए और पी पॉइंट से देखें तो वो जीरो होगी, तो एन वन इंटू जीरो। ऐसे एन टू भी इसकी लाइन ऑफ एक्शन पी पॉइंट से पास हो रही है, तो इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो, तो एन टू इंटू जीरो प्लस। अब बचा केवल एम जी, तो एम जी की लाइन ऑफ एक्शन बेटा ये है, ये क्या है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी। तो पी पॉइंट से इसके एम जी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एम जी की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पी पॉइंट से, तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बेटा इसकी, ये आर परपेंडिकुलर। भाई एम जी हो गया इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के पी पॉइंट से, क्योंकि पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लें, तो पी पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस करें तो ये ड्रॉ हो गया। तो हमें यहाँ पे जब फोर्स लिखे हैं तो एम जी का टॉर्क लिखे हैं, तो एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर। अब मेरे को आर परपेंडिकुलर चाहिए बेटा ज्योमेट्री से, तो सोचो ये अगर ये सेंटर है तो ये स्कूलर पाथ की ये क्या होगी, ये जो रेडियस होगी, ये वाली रेडियस होगी, रेडियस दे रखी कैपिटल आर, और ये सेंटर पहले इनिशियल सेंटर था, लेकिन मेरे को चाहिए अभी इतना, इतना नहीं चाहिए, तो कैसे निकाल सकता हूँ। देखो ज्योमेट्री का यूज करें इस वाले वाले ट्राइंगल में, तो मैं कॉस थीटा लगाऊँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना आर परपेंडुलर और हाइपोटेन्यूज कितना कैपिटल आर, तो आर परपेंडुलर कितना आया कैपिटल आर कॉस थीटा। तो यहाँ पुट कर दो टॉय पी, और टॉय पी की जगह पे ले सकते हो आई अल्फा, टॉय इज इक्वल टू कितना होता है आई अल्फा भी होता है, एंगुलर एसेलरेशन निकालना है, अभी इस फॉर्मूले का कंसेप्ट बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये तो जीरो, ये जीरो, तो एम जी और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आई आर कॉस अल्फा, आर कॉस थीटा। अब देखो इस फॉर्मूले का जब भी यूज करो तो इस फॉर्मूले में केवल एक ही कंसेप्ट होता है, जिस पॉइंट के अबाउट तुमने टॉर्क लिखा है उसी पॉइंट से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट तुमने से लिखना। तो मैंने टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट लिखा है, पी का, तो पी पॉइंट से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो देखो पी पॉइंट क्या है, ये रहा, और ये डिस्क क्या है, डिस्क है, तो डिस्क का पी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आ गया, देखो ये डिस्क थी हमारी, ठीक है, और ये डिस्क है, और मेरे को चाहिए पी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गलती मत करना सी सेंटर ऑफ मास का हाफ एम आर स्क्वायर पुट कर देना आप, हाफ एम आर स्क्वायर पुट नहीं करना है, वो तो सेंटर ऑफ रिंग डिस्क के सेंटर के अबाउट होता है, डिस्क के सेंटर, ये सेंटर जैसे डिस्क का, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, आई इज इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, देखो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूँ, याद होता है मेरे को हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। अब मोस्टली बच्चे क्या करता है, फटाफट आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर लिख देता है, जो गलती हो जाएगा। इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है, जब भी आप इस टॉय बराबर आई अल्फा को यूज करो तो टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट निकाला है उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट करना। तो पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला है बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पी पॉइंट के अबाउट चाहिए, तो कैसे निकालें, पैरेलेक्स थ्योरम लगा के। देखो ऐसे ये पैरेलेक्स, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर और पी पॉइंट से पास होने वाली एक्सेस ऐसे हो गई, देखो, और इस जगह पर ये हुई सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, दोनों में पैरेलेक्स थ्योरम लगा दो, दोनों में पैरेलेक्स थ्योरम लगा दो, तो लगाएंगे तो ये तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली हो गई, और इसके अबाउट निकालना है आई पी, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ डिस्क और परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर सेपरेशन हो गया जो रेडियस के बराबर ही है, जो आर स्क्वायर है, तो आई सी एम तो कितना है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे ये 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा पी पॉइंट के अबाउट, तो जो आई पी है आपका ये कितना आया 3/2 एम आर स्क्वायर, और मेरे को पी पॉइंट के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था, क्योंकि मैंने टॉर्क पी पॉइंट के अबाउट निकाला है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 3/2 एम आर स्क्वायर, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पी पी पूछ रहा है, और इसी पॉइंट पर करना सी पॉइंट पर, क्योंकि इस जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा तो एंगुलर एक्सेलरेशन लगाता है, यहाँ पर अलग होगा, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करें इसको, तो एम जी आर कॉस थीटा, तो देखो एम से तो एक एम कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल भी हो गया, और
इस 2 का मल्टीप्लाई, तो अल्फा निकालें तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2g cos थीटा, और नीचे यहाँ पे एक r बचेगा तो 3r नीचे आ जाएगा, 3r। देखो ये आंसर हो गया इसका, इसका आंसर हो गया 2g cos थीटा अपॉन 3r ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से एक कभी जो है डिस्क है, कभी ट्राइंगल है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पर काफ़ी पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।